Today at morning 6:30, and we are heading toward Milford Town. Over there we are going to go and do the cruise riding. It's a very fresh morning, very clear morning starts. So let's see what today has got installed for us. Now we are heading to Milford Town, so we'll stop in the way and show you guys what all is there on this tour. Alright guys, we just took a stop over at Mossburn. Now we are heading forward again. We just took a small break. Now we are going there. See ya. हाँ जी गाइज, सो अभी हम यहाँ पे टियानो ही रुके हैं, एंड यहाँ पे अभी हमारे को कैफ़े में छोड़ के गया हमारा ड्राइवर. ही इज़ गॉन टू गेट फ्यूड एंड वी हैव हाफ एन आवर ब्रेक. तो अंदर जाके कॉफ़ी एंड पाइज वगैरह ही है. मैं तो ट्रैवल करते हुए, मतलब इफ़ आई एम ऑन अ यू नो ऑन अ बस और वैन, I generally don't eat because the driving control is not in my hand, and I can't stop anywhere where I want to. So that's why I just don't eat anything outside. It's better and safe to do so. और कई मेरे को कुछ खाना है जो मेरे को सूट भी नहीं करते, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है मेरे को थोड़ा इन चीज़ों का. चलो आगे वहाँ पे मिलफोर्ड साउंड जाके मिलते हैं फिर आपसे. I think this pit as well, right? This pit as well, right? Yeah. Don't tell me. Yeah. Yeah, that's why I'm staying a little bit back. Last time I pet one and it spit back. So, nah, I'm not coming. हाँ जी गाइस, अभी हम पहुंच गए मिलफोर्ड साउंड, एंड वी आर स्टॉप्ड ओवर हियर एट लेक मिरर्स, और यू कैन से मिरर लेक. यहाँ पे कहते हैं बहुत ज़्यादा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर, बट ओनली ऑन अ स्टिल डे, जिस दिन ज़्यादा हवा नहीं चल रही होती. सो दे जनरली स्टॉप यू गाइस हियर टू यू नो व्यू दिस यू नो सीनिक स्पॉट. तो मैं आपको भी ये दिखाता हूँ, यहाँ पे एक अच्छा सा इन्होंने रास्ता बनाया हुआ जिस पे हम चल के फिर दूसरी साइड पे जाएंगे. ये देखिए, ये है पूरी लेक, और यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर हियर. यहाँ पे इसकी पूरी वो इन्फॉर्मेशन है, इसको आप पॉज करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा. यहाँ पानी देखिए कितना क्लियर है. ये 5 मिनट की वॉक है यहाँ से. आप हम थोड़ा और नीचे जाके वो सामने से देखते हैं भाई क्या है, कितना अच्छा व्यू है. माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग, क्या व्यू है. थोड़ा सा बाहर निकल के आ ही जाना चाहिए, क्या व्यू है यार, मस्त मज़ा आ गया. यहाँ पे तो अच्छा ही व्यू होगा हर बारी, एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम. इतनी नेचुरल है ना ये जगह. यहाँ पे और भी वो लगाए हुए हैं जो, ओह वाओ यार, कितना क्लियर पानी, कितना डूंगा. ये मैं आपके लिए ना क्लोजअप करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको पॉज करके वीडियो को रीड कर सको अगर करना चाहते हो तो.
ये देखो पानी देखो यार कितना डीप है, क्लियर है, इतने डीप में पानी, पेड़ टूट टूट के गिरे हुए हैं एंड यू कैन स्टिल सी इट टिल द बॉटम। ये जगह देख के ऐसा लगता है जैसे बहुत बहुत पुराने हैं। ये देखो ये पेड़ की ना रूट्स हैं, ये पूरी उससे एलजी जो है, ग्रोइंग एलजी जो है उससे कवर्ड है, मॉथ मॉथ कहते हैं इसको। चलो आगे चलते हैं, अब ऊपर जाके गाड़ी में बैठ के अपना मिलफोर्ड टाउन जाएंगे स्ट्रेट एंड देन वील कम बैक एंड शो यू गाइज द मिलफोर्ड टाउन एज वेल। Oh wow, there is something more over there and I'll show you just now. बस पहुंचने वाले हैं क्लोज, अब आपसे आगे जाके मिलते हैं। आ गए अपा इतने हम एक पिकनिक एरिया स्पॉट से आए हैं, तो सू टिकी टूर मिलता पे, तो हूँ आप जाके देखते हैं उसे की है। आप देखिए पेड़ किन्ने वे वे बनाए हैं, अगर आप ध्यान से देखें ना ये पेड़ इतने पुराने हैं कि इनके ऊपर काई जमी पड़ी है, ये ना एक फंगस ही है जो ग्राउंड को भी कवर करती है और पेड़ों को भी ऊपर तक कवर करती है, ये ऐसे होती है, ऐसे होती है तो सारे सारे पेड़ों पे ना यही से इन चीज ना घुसी पड़ी है। अच्छा लगता है यार देख के, मतलब इट लुक्स लाइक अनटच्ड बाय मैन, काफ़ी अच्छी जगह है पिकनिक के लिए, तो बहुत बढ़िया जगह है। काश मैं अपनी गाड़ी में आया होता, मज़ा आता है यहाँ पर बैठ के अपना पिकनिक बना सकते हैं। मतलब तो अगर आप भी अगर मिलफोर्ड साउंड जा रहे हो और आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो तो पैक अप समथिंग फ्रॉम पैक एंड सेफ, क्वींस टाउन के वहाँ से मिल जाएगा एंड देन वंस यू कम ओवर हियर स्टॉप बाय एंड यू नो, अगर आपको टाइम का कंस्ट्रेंट ना हो तो स्टॉप बाय हियर एंड एंजॉय योर पिकनिक, इट्स बाय द लेक एज द यू नो गाइड सेड, तो ठीक है यार मज़ा आ जाएगा। ठीक है पुरानी वाली यादें वापस, चलो अभी आपको आगे दिखाते क्या है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है मिलफोर्ड रोड के बारे में, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वे यू आर। अच्छी जगह, यहाँ पे और भी लोग आए हुए हैं बैठने के लिए, पिकनिक के लिए तो बहुत सही है। वाह क्या ब्यूटीफुल व्यू है यार, ये देखो पानी देखो कितना क्रिस्टल क्लियर है। है ना मस्त व्यू, मज़ेदार व्यू है, पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है, इतनी बड़ी लेक है, इट्स लाइक अ पैराडाइज ऑन द प्लैनेट मिलफोर्ड साउंड। देखो यार पानी यार क्रिस्टल क्लियर है, डायमंड वांगे, ये यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा आगे करते करते वहाँ पे जाके डूंगा है और डूंगा, और बहुत क्लियर पानी है यार, बहुत क्लियर पानी है, जिसको तैरना आता वो तो तैरेगा इसमें पानी में। हाँ जी अब यहाँ से हम थोड़ा एक और स्पॉट पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं क्या है। यहाँ का तो यार नज़ारा ही बहुत क्लियर है, मज़ेदार है, इतना सही नज़ारा कहीं नहीं देखा यार आज तक,
मतलब पानी इतना क्लियर है, क्या कहूँ मैं, मजो आ गए मजो। मैं कह गाइस आपको एक पेड़ दिखाता हूँ जो 150 साल पहले टूट के गिर गया था, और ये ऐसे करके गिरा पड़ा है पेड़, और उसके बाद ये वहीं से ही इसने ग्रो करना शुरू कर दिया। ये देख पेड़ के यहाँ से उगना, 3-4 पेड़ उगने शुरू हो गए यहाँ से। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे न्यूजीलैंड में कभी जामुन नहीं मैंने देखे, ठीक है, ये जामुन का पेड़ है, यहाँ पे पता नहीं क्या नाम है, पर यहाँ पे जामुन लगे हुए हैं एक आधा, वो देख लो आप, वो लगा टानी पे सामने, ये है फर्स्ट जामुन का पेड़, एक ही पेड़ है भाई ज्यादा तो यही नहीं यहाँ पे, एक ही है। हाँ भाई, तो कौन कह रहा था कि न्यूजीलैंड में जामुन नहीं मिलते, मिलते हैं, सिर्फ यहीं पे एक जगह है, वो भी मेलफोर्ड साउंड के पास, वहाँ पे आपको जामुन मिलेंगे।